सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इच्छावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। कुदरत के खेल भी अजीब होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है, जिसे अपवाद भी कह सकते हैं। बच्चेदानी से बाहर पेट में 5 माह तक रहना आश्चर्य से कम नहीं। ऐसा ही मामला आष्टा तहसील के ग्राम भटोनी निवासी 35 वर्षीय देवबाई के साथ हुआ। कई माह से पेट दर्द से परेशान महिला के पति ने जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, दवाएं भी दी, लेकिन दर्द से आराम नहीं मिला और न ही किसी डॉक्टर ने बताया कि पेट में क्या है। जब वह आष्टा के आयुष्मान हॉस्पिटल में आई तो डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान ने सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि बच्चा पेट में बच्चेदानी से अलग दिखाई दिया और उसमें कोई हलचल भी नहीं थी। गौरतलब है कि आयुष्मान प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान हमेशा से ही अपने उच्च स्तरीय जटिल ऑपरेशन के लिए प्रसिद्ध रही है। आज इसी श्रेणी में एक जटिल एवं लोगों के लिए कौतूहल वाला ऑपरेशन डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान द्वारा किया गया। महिला देवबाई की परिजन पार्वती बाई ने बताया कि देवबाई पति राधेश्याम उम्र 35 वर्ष ग्राम भटोनी तहसील आष्टा जिला सीहोर के पेट में दर्द व महीनों नहीं आने की समस्या को लेकर आयुष्मान अस्पताल आष्टा में आई थी। आयुष्मान अस्पताल की सर्जन डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान द्वारा महिला की सोनोग्राफी व अन्य जांच करने के उपरांत यह पाया गया कि महिला के पेट में अप्राकृतिक रूप से 5 माह का गर्भ पनप रहा है। असाधारण जटिल और अप्राकृतिक डिलीवरी इसलिए है क्योंकि बच्चे का साधारण गर्भधारण गर्भाशय में होता है, लेकिन उससे हटकर पेट में बच्चा होने का यह लाखों में एक पहला केस है, जो कि बच्चेदानी से बाहर पेट में बच्चा 5 महीने तक विकसित हो रहा था, जिससे मरीज को भारी परेशानियां हो रही थी। उसकी वजह सर दूसरे अंग जैसे किडनी और हार्ट में नुकसान हो रहा था। अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं होता तो मरीज की जान जाने का खतरा था। मरीज के परिजन ने बताया कि हमें कई जगह दिखा चुके थे, लेकिन हमें किसी ने पेट में गर्भ होने की जानकारी नहीं दी और न ही उसके गंभीर परिणाम के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान ने अपने अनुभव और आत्मविश्वास से महिला का जटिल ऑपरेशन किया। अब मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और खतरे से बाहर है। मरीज और परिजनों ने डॉक्टर का आभार भी व्यक्त किया है। भारतीय न्यूज के लिए अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवभाई। देवभाई कहाँ के रहने वाली है? भटोनी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब आई हैं आप? 4 दिन हो गए। 4 दिन। अच्छा, 4 दिन हो गए थे। आपको ये तकलीफ कब से रहती थी पेट में दर्द की? सर वो तो बोर्ड का आगे से होती थी। कितने महीने? 5 महीने सारी होती। 5 महीने से तकलीफ रहती थी। अच्छा, दूसरी जगह इलाज करवाया होगा? हाँ, दूसरी जगह कराया। तो क्या बोलते थे सब? सर वैसे ही कहते थे मैडम के इलाज कोर्सेस से पड़ जाएंगे, कोर्सेस से पड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मैडम पे तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी? नहीं हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पे आए तुम है ना? तो यहाँ पर आए तो मतलब जो है क्या 5 महीने का बच्चा था? बोलो। तो वो अपने सही स्थान पर नहीं था, मतलब जो है बच्चेदानी में नहीं था ना वो? क्या नाम है आपका? पार्वती भाई। ये जो आपके कौन लगते हैं? ये मुझे लगती है। आपकी भाभी को क्या हुआ था? बच्चा था सर, वो 5 महीने का बच्चा बच्ची, डॉक्टर के पास भी गए थे, 2-4 डॉक्टर के पास, तो बोले हो जाएंगे तो कोई हुआ नहीं, फिर यहाँ पे पेट के दुखने लग गए, तो सर के पास फिर दूसरी हॉस्पिटल में आए, आयुष्मान हॉस्पिटल में, तो बोले सोना वोना गिरा के करवाई, तो वो बच्चा है इसके पेट में। बच्चा कहाँ था, किस जगह पे? ये बच्चादानी में नहीं था सर। ये बच्चादानी से बाहर निकल गया था पेट में। बोले फिर वो तो यहाँ ऑपरेशन हुआ। हाँ, ऑपरेशन हुआ। अब कैसी तबीयत है इनकी? अच्छी है। अच्छा, ऐसा केस कभी तुमने देखा होगा कि जो बच्चा बच्चेदानी में नहीं होता हो, एक मिनट, बच्चेदानी में नहीं हो, बच्चेदानी से बाहर हो और 5 महीने तक रह ले, ऐसा कभी देखा? नहीं देखा। क्या सुना? नहीं सुना भी नहीं सर। क्या मानती हैं इसको आप? इसको मानते हैं वो कि भगवान की लीला। मेरा नाम डॉक्टर रोहिणी भार्गव खान है और मैं आयुष्मान हॉस्पिटल आष्टा में MS गायनेकोलॉजिस्ट हूँ।
और ये देवबाई पति राधेश्याम जो भटौनी की मरीज़ हैं, ये हमारे पास पेट में दर्द और 5 माह से महीना नहीं आने की समस्या से परेशान होकर हमारे पास आई थी। और मेरे द्वारा सोनोग्राफी और अन्य जांचें करने के उपरांत मैंने ये पाया कि मरीज़ को 5 माह का गर्भ है और ये गर्भ बच्चेदानी में ना होकर पेट में पनप रहा था और काफ़ी टाइम से शायद 1.5-2 माह से ये बच्चा पेट में ख़त्म भी हो चुका था। और इस तरीके केसेस लाखों में एक होते हैं और इसमें जिसमें कि बच्चा पेट में पनप रहा है और बच्चेदानी में नहीं है, इस तरह से मरीज़ की जान के लिए पूरा ख़तरा होता है। मरीज़ के लीवर, किडनी और अन्य अंगों को नुकसान होने की संभावना रहती है। सही समय पर डायग्नोस होना और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने ये बात देखी और इसका ऑपरेशन हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयुष्मान हॉस्पिटल में किया गया और आज देवबाई मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है। और आयुष्मान हॉस्पिटल आष्टा इसी तरह के उच्च स्तरीय और जटिल ऑपरेशन करने के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है और आज इसी श्रृंखला में हमने ये सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन किया है जिसमें हमारा मरीज़ देवबाई पूरी तरह से स्वस्थ है। Subscribe now to most exciting channel ever.